अब आपके नगर देवरी में लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जनरल हॉस्पिटल पूर्ण प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के साथ प्रतिदिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। पता याद रखें, विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में सहजपुर तिराहा देवरी। जैसे एक भजिया पकौड़ा तलने का काम कर रहे हैं और एक जो है जगह जगह जाकर रो रहे हैं, तो हमने सोचा कि इन दोनों की बोरियत को हटाने के लिए कम से कम हम जनता को हंसाने के लिए इस तरह का प्रोग्राम दे सकते हैं कि जनता। एमपी की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो उनमें से एक सीट सुर्खी विधानसभा सबसे लोकप्रिय सीट मानी जा रही है, जहां बीते दिन कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के खाना बनाने और मंगोली बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत भरे मंच से रोकर माफी मांग रहे थे। इन सबसे हटकर आज समाजवादी पार्टी के बैनर तले लोकगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सपा प्रत्याशी शिशुपाल यादव ने भाजपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए जनता का खुलकर मनोरंजन किया। जिस तरीके से एक भजिया पकौड़ा तलने का काम कर रहे हैं और एक जो है जगह जगह जाकर रो रहे हैं, तो हमने सोचा कि इन दोनों की बोरियत को हटाने के लिए कम से कम हम जनता को हंसाने के लिए इस तरह का प्रोग्राम दे सकते हैं कि जनता खुश रहे, हंसे, मस्ती मजाक में रहे और हमारी बात को गंभीरता से। तो आज की सभा कैसी रही आपकी? आज की शानदार सभा रही, और क्योंकि आज मार्केट का दिन था, बाजार का दिन था, तो जनता का भरपूर स्नेह मिला हमको। समाजवादियां टोपियां खुद ले लेकर जनता ने यहां पर पहनी और झंडा अपने घरों पर खुद ले लेकर गए। इतना उत्साह था लोगों के अंदर, उन्होंने झंडे और टोपियां हमसे ली कि साहब हम समाजवादी पार्टी का सहयोग और साथ। कार्यक्रम में स्टार प्रचारक के रूप में बुंदेलखंड के मशहूर लोकगीत गायक जित्तू खरे को बुलाया गया। विधायक पंजा से फूल में हो गए संजा से, समझ गया कि पनी विधायक पंजा से फूल में हो गए संजा से। नाथ किलाने अनाथ करके, नाथ किलाने अनाथ करके फिर मम्मा के पहुंचे। ही देखते राहतगढ़ के दशहरा मैदान में जनता का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसका जनता ने भरपूर मनोरंजन लिया। पैसा भर लो बोरों में, पक्का बिके करोड़ों में। राहतगढ़ से इमरान कुरैसी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।